प्रिय विद्यार्थियों, बीएड सेकेंड ईयर के एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज अर्थात ईपीसी कोर्सेज से संबंधित इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड सेकेंड ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर की तरह दो ईपीसी कोर्सेज हैं, कोर्स बीईएसएल 123 ड्रामा एंड आर्ट्स एंड एजुकेशन और कोर्स बीईएसएल 124 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड योगा। सेकेंड ईयर में भी दोनों कोर्सेज में चार चार एक्टिविटीज अर्थात कुल आठ एक्टिविटीज आपको करनी है। हर एक कोर्स में दो एक्टिविटी आप अपने इंटर्नशिप पीरियड के दौरान करेंगे और दो एक्टिविटी आप जब वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप टू के दौरान करेंगे। ध्यान रखिए, ईपीसी कोर्सेज में कोई भी टर्म एंड एग्जामिनेशन या असाइनमेंट्स नहीं होते हैं। केवल आपको जो एक्टिविटीज दी गई हैं वो एक्टिविटीज आपको या तो वर्कशॉप में या वर्कशॉप से पहले करनी होती हैं। वर्कशॉप दो में जाने से पहले आपको दोनों ईपीसी कोर्स में दो दो एक्टिविटीज अर्थात बीईएसएल 123 और बीईएसएल 124 दोनों में दो दो एक्टिविटीज कंप्लीट। जो एक्टिविटीज आप इंटर्नशिप के दौरान पूरी करेंगे उनकी रिपोर्ट्स अपने मेंटर से वेरीफाई कराकर और अपने हेड या प्रिंसिपल से उनको ऑथेंटिकेट कराकर लाएंगे और आपकी सारी रिपोर्ट्स का असेसमेंट वर्कशॉप के दौरान किया जाएगा। आइए बात करते हैं उन कोर्सेज की जो बीएड सेकेंड ईयर में ईपीसी कोर्स है। पहला ऐसा कोर्स है बीईएसएल 123 ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन। इस कोर्स में कुल चार एक्टिविटी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रामा एंड आर्ट एक्टिविटीज, डेवलपिंग मल्टी डिसिप्लिनरी थीमेटिक एक्टिविटीज, ये दोनों इंटर्नशिप के दौरान करनी है, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू ड्रामा एंड विजुअल आर्ट फॉर्म्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये दोनों एक्टिविटीज वर्कशॉप के दौरान करनी है। आइए देखते हैं इन एक्टिविटीज में क्या है। पहली एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रामा एंड आर्ट एक्टिविटीज है। यह एक्टिविटी आपको अकेले करनी है और वर्कशॉप से पहले अर्थात इंटर्नशिप दो के दौरान करनी है। इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि कोर्स बीईएसएल 123 की यूनिट 1 को ध्यान से पढ़ें। इस एक्टिविटी का उद्देश्य ड्रामा या आर्ट एक्टिविटीज को स्कूल में ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या पूर्व आवश्यकताएं हैं, प्री रिक्विजिट्स है, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। इस एक्टिविटी में आप अपने स्कूल या अपने किसी आसपास के स्कूल से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों से चर्चा के आधार पर भी तैयार कर सकते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ड्रामा एंड आर्ट एक्टिविटीज, की इन एक्टिविटीज को करने के लिए वहाँ क्या पर क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर कक्षा कक्ष में क्या ऐसा स्पेस अवेलेबल है जहाँ पर ड्रामा और आर्ट एक्टिविटीज को किया जा सके, क्या वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज को कराने के लिए लोकल रिसोर्सेज और लर्नर्स जो मटेरियल बनाते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्या वर्कशॉप कराने के लिए जो स्थानीय कलाकार हैं, लोकल आर्टिसंस हैं, उनकी कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, अगर की जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने कितने समय के बाद की जाती है। और इस सब के आधार पर आप ये सजेशंस भी दे सकते हैं कि इन रिसोर्सेज को और इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सारी जानकारी जो आप एकत्र करेंगे उसके आधार पर आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट का असेसमेंट किया जाएगा इस आधार पर कि आपने जो थीम्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी इकट्ठी की है, इकट्ठी की गई जानकारी का विश्लेषण कैसे किया है, इकट्ठी की गई जानकारियों के बीच संबंध कैसे खोजे हैं, और अपने अनुभवों, ऑब्जर्वेशंस और दूसरे टीचर्स से बातचीत के आधार पर आपने क्या सजेशंस दिए हैं। दूसरी एक्टिविटी है डेवलपिंग मल्टी डिसिप्लिनरी थीमेटिक एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी को भी आपको अकेले करना है और ये इंटर्नशिप दो होनी है। इसके लिए भी आप बीईएसएल 123 की इकाई 1 को पढ़ें। इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्लासरूम टीचिंग में मल्टी डिसिप्लिनरी थीमेटिक एक्टिविटीज को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपकी समझ विकसित करना है। इस एक्टिविटी में आप कोई भी एक थीम चुन सकते हैं, जैसे एयर, एनवायरमेंट, एनर्जी, वाटर। मान लीजिए आपने वाटर की थीम चुनी तो आपको पहले ये निर्धारित करना है कि वाटर थीम के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, लिटरेचर में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में क्या उद्देश्य होने चाहिए। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स में डेवलप की जानी है, जिनका वो प्रदर्शन करके ये बता सकें कि वो इस मल्टी डिसिप्लिनरी थीम को समझ सके हैं। आपको एक असेसमेंट सीट और असेसमेंट आइटम्स भी तैयार करने हैं जो इस एक्टिविटी का हिस्सा होंगे। इन सब के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, आपने क्या थीम चुनी है, आपने कैसे ड्रामा, आर्ट और स्कूल सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया है,
आपने कोई थीमेटिक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी कैसे डिजाइन की है और उसके असेसमेंट के लिए क्या असेसमेंट आइटम्स, क्या प्रश्न तैयार किए हैं। तीसरी एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू ड्रामा है। ये एक्टिविटी आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है और एक मिक्स ग्रुप एक्टिविटी होगी, अर्थात आपके ग्रुप में न केवल आपके सब्जेक्ट के बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे। आपको कोई भी एक टॉपिक चुनना है जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपको उस पर एक ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखनी है और फिर अपने ग्रुप के साथ मिलकर उस ड्रामा को एक्ट करना है, उसका ड्रामेटाइजेशन करना है। साथ ही एक वर्कशीट बनानी है जिसमें उस ड्रामा का असेसमेंट किया जा सके। इसके बाद आपने क्या एनवायरमेंटल इश्यूज चुना, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, आपने उसका ड्रामेटाइजेशन कैसे किया, आपके साथियों ने उस पर क्या फीडबैक दिया और आपने उसका असेसमेंट वर्कशीट कैसे तैयार किया, इन सब के आधार पर इस एक्टिविटी का असेसमेंट किया जाएगा। इस कोर्स में चौथी एक्टिविटी है विजुअल आर्ट फॉर्म्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये भी एक मिक्स ग्रुप एक्टिविटी है जो आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है। आप कोर्स BESL 1-2-3 की इकाई 1 पढ़ें। आपको तीन थीम दी जा सकती हैं, जैसे कॉटन फाइबर की जर्नी की, कैसे कॉटन फाइबर से कपड़े तक बनता है, कैसे चावल खेत से किचन तक पहुंचता है, कैसे पानी की एक बूंद एक नदी से या एक झील से समुद्र तक पहुंचती है। ऐसी कोई भी थीम दी जा सकती है। थीम का चयन जरूरी नहीं कि इन्हीं के आधार पर हो, आपके रिसोर्स पर्सन कोई और थीम भी आपको दे सकते हैं। इस थीम के आधार पर आपको ये बताना है कि जो भी विजुअल आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल हैं या जो भी विजुअल आर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म्स इस थीम को कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग की जा सकती है। और इसके बाद आप अपना ग्रुप प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपने वो थीम क्यों चुना है, उसके लिए जो विजुअल आर्ट फॉर्म्स है वो कौन सी चुनी है, और वही आर्ट फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इफेक्टिव या अप्रोप्रिएट आर्ट फॉर्म क्यों है, इसी के आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो एक महत्वपूर्ण कोर्स है जिसका नाम है BESL 1-4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड योगा, स्व की समझ और योग। इस कोर्स में भी चार एक्टिविटी हैं, डिस्कवरिंग वन सेल्फ, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ और सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है वर्कशॉप में आने से पहले, अर्थात इंटर्नशिप 2 के दौरान। और दो एक्टिविटीज हैं लर्निंग स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये दोनों एक्टिविटी आप वर्कशॉप के दौरान करेंगे। आइए देखते हैं इन एक्टिविटीज में आपको क्या करना है। पहली एक्टिविटी डिस्कवरिंग वन सेल्फ, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ है। इस एक्टिविटी को आपको अपने आप करना है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। इसका उद्देश्य है कि आपको ये समझाया जा सके कि अपनी क्षमताओं और अपनी इच्छाओं को ढूंढने में आपके सेल्फ एक्सप्रेशन और अपॉर्चुनिटीज को, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, उनका क्या महत्व है। इसके लिए आपको एक आर्टिकल सजेस्ट किया जाता है। इस आर्टिकल का लिंक यहाँ दिया गया है, साथ ही ये आर्टिकल आपके हैंडबुक में भी छपा हुआ है। तो आप चाहें तो इस लिंक पर जाकर या अपनी हैंडबुक में पहले इस आर्टिकल को पढ़ें। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप स्वयं से पूछें कि उसमें जो एक्टिविटीज सजेस्ट की गई हैं, उसमें से कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं जब आप थके हुए हों तब भी। आप इन एक्टिविटीज़ में कितनी बार इंगेज करते हैं खुद को और इन एक्टिविटीज़ में इंगेज करना आपको कितनी मदद करता है। इसके लिए आप अपने आप को कम से कम सप्ताह में 1 घंटे के लिए लगातार 4 सप्ताह तक इंगेज करिए। कौन सी एक्टिविटी में इंगेज करना है ये आप चुन सकते हैं। फिर आपको उस एक्टिविटी के दौरान आपके क्या अनुभव हुए, क्या विचार आए, क्या समस्याएं आईं आपके अंदर, क्या इंसाइट डेवलप हुई, इन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करिए। इसके लिए या तो आप एक रिटर्न रिपोर्ट बना सकते हैं वीकली बेसिस पर और उसका एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या आप बहुत से ऑनलाइन टूल्स जैसे वीकली ब्लॉग्स, वीडियो, फोटो जर्नल्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट का असेसमेंट किया जाएगा। दूसरी एक्टिविटीज है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इस एक्टिविटी को भी आपको अकेले इंटर्नशिप 2 के दौरान करना है। इसके लिए आप ब्लॉक 1 की इकाई 3 को पढ़ें। इस एक्टिविटी का उद्देश्य आपको ये बताना है कि इवन सेम फैमिली में भी लोगों के बचपन के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है जिसमें आप लोगों के अनुभव जानेंगे। इस इंटरव्यू शेड्यूल में आप उनके बचपन के बारे में अनुभव, उनके जीवन शैलियां, उनके परिवार के साथ उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, उनके डेली रूटीन्स, उनका
खेल वो क्या खेलते थे, वो क्या खाना खाते थे, किस तरह सांस्कृतिक तौर पर बच्चों के स्टीरियोटाइप्स उनसे जुड़े हुए थे, और कम से कम एक पुरुष और एक महिला मेंबर का इंटरव्यू कम से कम 2 जनरेशंस का, या हो सके तो 3 जनरेशंस का आप अपनी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में कर सकते हैं। इस तरह से आप कम से कम 4 से 6 लोगों का इंटरव्यू करेंगे और आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके एनालिसिस को अलग अलग जनरेशंस में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं, फैमिली और सिमिलर ग्रुप्स में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर डेटा आपने डिफरेंट कम्युनिटीज से लिया है तो आप उसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, या मेल के एक्सपीरियंसेस और फीमेल के एक्सपीरियंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके आधार पर आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें आपने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, किस तरह की थीम एनालाइज की, आपकी एनालिसिस की डेप्थ क्या थी, आपने जो लिंकेज देखे उनकी मीनिंगफुलनेस कितनी है, और कितने मीनिंगफुल तरीके से आपने अपनी जड़ों की खोज की। इन सब के विषय में जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसी के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। तीसरी एक्टिविटी लर्निंग स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स है। ये एक्टिविटी एक मिक्स ग्रुप एक्टिविटी है जो आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है। इस एक्टिविटी का उद्देश्य आपको विभिन्न स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स के बारे में अवेयर करना और साथ ही ये समझाना कि कैसे वो काम करती हैं। इसके लिए आप अपने कोर्स के ब्लॉक 2 की इकाई 5 पढ़ सकते हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ एक एक्टिविटी दी गई है बैलेंस्ड ब्रीदिंग, उस टेक्निक को आप आइडेंटिफाई करें और उसको एक डी स्ट्रेसिंग टेक्निक की तरह इस्तेमाल करें। उस एक्टिविटी को करने के दौरान आपकी मेंटल स्टेट क्या है उसके बारे में आप रिफ्लेक्ट करें और अपने अनुभवों के आधार पर एक रिपोर्ट सबमिट करें। चौथी एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। इस एक्टिविटी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप में आपको करना है, ये भी वर्कशॉप के दौरान की जानी है। इसके लिए आप अपने कोर्स BESL 1-4 की इकाई 1 को पढ़ सकते हैं। ये एक्टिविटी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या डिस्कशन से शुरू हो सकती है जिसमें आप उन अनुभवों या उन फीलिंग्स को साझा करेंगे जिन्होंने आपकी पहचान निर्मित करने में, आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आपकी मदद की है। एक हिंदी फिल्म है दिल धड़कने दो, यदि किसी विद्यार्थी ने, आप में से कुछ लोगों ने देख रखी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप अपनी चर्चा को प्रारंभ करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आप उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो चाहे आपके माता पिता हैं, परिस्थितियां हैं या अनुभव हैं जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है। और इसके बाद एक वर्कशीट दी गई है हैंडबुक में, उस पर आप चर्चा करेंगे, साथ ही अपने अनुभवों को लिखेंगे और आपने जो भी रिफ्लेक्टिव फैक्ट्स लिखे हैं वर्कशीट में उन सबको आप अपने वर्कशॉप फैसिलिटेटर को सबमिट करेंगे असेसमेंट पर्पस के लिए। आपकी ईपीसी एक्टिविटीज का असेसमेंट वर्कशॉप 2 के दौरान जो असेसमेंट सेशंस ईपीसी एक्टिविटीज के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं में किया जाएगा। आपसे अपनी एक्टिविटीज का एक प्रेजेंटेशन करने को कहा जाएगा। उस प्रेजेंटेशन के लिए आप अपनी रिपोर्ट्स को 2 अलग-अलग पोर्टफोलियो में सबमिट करेंगे, एक पोर्टफोलियो EPC 3 के लिए और एक पोर्टफोलियो EPC 4 के लिए। आपके रिसोर्स पर्सन आपकी EPC एक्टिविटीज को ग्रेड करेंगे और उसके बाद आपकी 8 एक्टिविटीज की ग्रेडिंग होने के बाद दोनों कोर्स के अलग अलग ग्रेड दिए जाएंगे। ग्रेड कैसे दिए जाते हैं ये मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने एक कोर्स की 4 एक्टिविटीज में A, D, C और B ग्रेड पाया है तो आपके स्कोर हुआ 14। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। चूंकि बी ग्रेड के लिए स्कोर रेंज 3.5 से 4.49 है, इसलिए ओवरऑल आपके कोर्स की ग्रेड बी होगी। ये वीडियो आपकी मदद करेगा ईपीसी एक्टिविटीज को बेहतर ढंग से करने के लिए। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें हमारी मेल आईडी soe@ignou.ac.in पर लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे शिक्षक बनिए और अपनी कॉम्पिटेंसीज को लगातार बढ़ाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।